एट लास्ट फाइनली दोस्तों, जो बात ऑडियंस कह रही थी या जो बात खुद बिग बॉस ने बोल दी थी, अब वही बात टेलीविजन का ये हॉट एंड हैंडसम एक्टर बोल रहा है। और ये रुबीना दिलैक का खास दोस्त भी है। कौन है ये, किसके बारे में बात कर रहा हूं और रुबीना से जुड़ी हुई क्या ये इंटरेस्टिंग बात है, तो सुनिए ध्यान से। स्वागत है आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रुबीना दिलैक के सपोर्ट में उतर चुके हैं कौन, नागिन के हसीन एक्टर, खूबसूरत और हैंडसम एक्टर जिनका नाम है मिस्टर अर्जुन बिजलानी, इश्क में मर जावा पार्ट 1 वाले। अर्जुन बिजलानी ने दोस्तों रिसेंटली अवार्ड्स हुए थे और उस अवार्ड्स के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और उनसे पूछा गया था बिग बॉस के बारे में, जहां पर अर्जुन बिजलानी ने बिग बॉस के बारे में ज्यादा तो बात नहीं करी क्योंकि हम सबको पता है कि वो बिग बॉस में ज्यादा शायद फॉलो नहीं करते, जाना भी नहीं चाहते उन्हें कहीं ना कहीं। एक बार उनका इंटरव्यू आया था, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था कि मैं कभी भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं, समथिंग कुछ उन्होंने ऐसा बोला था। अब दोस्तों अर्जुन बिजलानी से जब पूछा जाता है कि घर के अंदर के डायनेमिक्स और चीजों के बारे में, कंटेंडर्स के बारे में, वो कहते हैं कि मैं लगभग सभी कंटेंडर्स को जानता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी, मैं सबको जानता हूं। जहां पर वो कहते हैं जैस्मिन बहुत क्यूट है कहते हैं, और वहीं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं रुबीना बॉस है, ये बात कहते हैं मिस्टर अर्जुन बिजलानी, नागिन वाले एक्टर। अर्जुन बिजलानी कहते हैं कि जो उनकी दोस्त है रुबीना, वो बहुत ज्यादा बॉस है और प्लस ऐसी पर्सनैलिटी उनकी घर के अंदर देखने को मिली थी। रियल लाइफ में जो मैं जानता हूं रुबीना को, वो मतलब कि देखिए हर किसी के अंदर पर्सनैलिटी होती है, ये अलग अलग तरीके की, बिग बॉस के घर में जाके वो खुलती है। और वो यही कहते हैं कि रुबीना की ये जो पर्सनैलिटी हमें सामने देखने को मिल रही है, और मुझे, मैं खुद हैरान हो गया कि अरे ये तो मस्त बॉस है यार। So, ऐसे में दोस्तों रुबीना को बॉस का टाइटल बिग बॉस ने एवी नहीं दिया, जनता ने बॉस का टाइटल एवी नहीं दिया। अब जब उनके खुद दोस्त ये बात कह रहे हैं तो ऐसे में ये बात सुनना लाजमी है। हेटर्स कितना छुपाओगे इस बात को, अब मान भी जाओ तो कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। रुबीना बॉस थी, है और वो रहेगी, वो बॉस थी, वो बॉस है और वो बॉस रहेगी, बिग बॉस की बॉस। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूड्स।